प्यारे बच्चों, अभी हम समानांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं और आपने कुछ चीज़ें देख ली हैं। पहली बात तो आपने ये देखी थी कि कोई चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज हो, इसके लिए जरूरी शर्त है कि उसके आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े समानांतर हों, तब वो समानांतर चतुर्भुज होता है। और इससे गुणों पर आगे काम करते हुए आपने ये भी देखा कि समानांतर चतुर्भुज में एक और खासियत होती है कि आमने सामने की भुजाओं के जोड़े बराबर भी होते हैं, दोनों जोड़े बराबर होते हैं। और एक चीज़ आपने और भी देखी है कि किसी समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों के जोड़े भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब यदि ए बी सी डी कोई समानांतर चतुर्भुज है तो आप देखेंगे कि कोण ए कोण सी के बराबर होगा और कोण बी कोण डी के बराबर होगा। ये कुछ चीज़ें आपने देखी हैं। अब एक नई चीज की तरफ हम आपका ध्यान लेके जाना चाहते हैं और वो है समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों के बारे में। किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों में भी कुछ गुण होते हैं, उन गुणों को हम बारी बारी से देखना शुरू करेंगे। इसमें जो पहली बात है उसे हमने प्रमेय 11.6 के रूप में देखना चाहा है और इसमें बात कही जा रही है कि किसी समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में जो इनके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी आपके सामने जो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिखाई पड़ रहा है उसे दो विकर्ण है, एक विकर्ण ए सी है और दूसरा विकर्ण बी डी है। तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इसका मतलब ये हो सकता, ये कह सकते हैं आप कि ए ओ बराबर ओ सी और डी ओ बराबर ओ बी। यानी यदि बिंदु ओ दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है तो बिंदु ओ दोनों विकर्णों को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये एक प्रमेय के रूप में हम इसको सीखेंगे। इस प्रमेय को हमने क्रम दिया है 11.6। तो चलिए हम बारी बारी से इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को देखेंगे। अब आप देखिए हमको करना क्या चाहिए। आपको यह सिद्ध करना है कि विकर्ण ए सी और बी डी दोनों एक दूसरे को यदि ओ बिंदु पर काटते हैं तो ओ दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। ए ओ बराबर ओ सी आपको सिद्ध करना होगा और डी ओ बराबर ओ बी सिद्ध करना होगा। और आप देख रहे हैं कि अगर इन दोनों भुजाओं को यहां देखें तो ये एक त्रिभुज का निर्माण करता है ए बी के साथ मिलकर, और ये दोनों भुजाएं या विकर्ण के आधे हिस्से डी सी के साथ मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर सके, यानी त्रिभुज ओ ए बी एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज ओ डी सी या ओ सी डी कह लें, यदि इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर दें तब हमारी समस्या हल हो जाएगी। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमारे पास है क्या चीज। आप जानते हैं कि हम एक समानांतर चतुर्भुज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि ये डी सी ए बी के समानांतर है और तिर्यक रेखा डी बी उन्हें काटती है, तो एकांतर कोण जो बन रहे हैं वो बराबर होंगे। ठीक यही बात आप इन दोनों समानांतर रेखाओं के लिए इस विकर्ण के साथ जोड़कर भी कह सकते हैं। यानी समानांतर रेखा डी सी और ए बी को तिर्यक रेखा ए सी काट रही है, तब यहां जो कोण बन रहे हैं वो एकांतर कोण होंगे और बराबर होंगे। तो आपने दो कोणों को बराबर सिद्ध कर दिया। एक चीज और आपके पास है कि आपने पढ़ा है कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं के जोड़े समानांतर तो होते ही हैं, बराबर भी होते हैं। यानी आपको यह भी पता है कि ए बी और डी सी बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि आपको इन दोनों त्रिभुजों में तीन चीजें मिल रही हैं, दो कोण क्रमशः इन दोनों कोणों के बराबर और ये भुजा इसके बराबर है। यानी दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए जरूरी तीन शर्तें आपके पास मौजूद हैं। तो बस इनको आप लिखते जाइए और आप बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, और यदि सर्वांग सम हो गए तो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। इतनी सारी बातों को ही हमको लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम ये बताएं कि हमारे पास है क्या चीज। तो हम लिखेंगे, ये दिया हुआ है, दिया है ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। इसे आप समांतर भी कहते हैं, समांतर चतुर्भुज है। ऐसा कहने का मतलब ये दोनों रेखाएं आमने सामने के समानांतर है, ये इसके समानांतर है, ये दोनों बराबर भी हैं, ये दोनों बराबर हैं। ये चीज आप इस लाइन को लिखने से प्राप्त कर रहे हैं। और इसमें एक चीज दिया हुआ है और दी हुई है हमको कि
ए सी और बी डी इस चतुर्भुज के विकर्ण हैं, यह भी आपको दी हुई है, और वो इनका मध्य बिंदु है। विकर्णों के का कटन बिंदु है या प्रतिच्छेद बिंदु है, ऐसा लिख लें आप, ओ प्रतिच्छेद बिंदु है। हमको सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ओ इन दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है, यह हमें सिद्ध करना है। यानी आपको यह भी बताना होगा कि OA बराबर OC, OA बराबर OC और दूसरा OB बराबर OD, OB बराबर OD, यह हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इस त्रिभुज से बात शुरू करते हैं। त्रिभुज ABO, त्रिभुज ABO और त्रिभुज, इस त्रिभुज की हम बात करेंगे, इसे आप कह सकते हैं DCO, DCO, इन दोनों त्रिभुजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से आप देखिए, DC और AB समानांतर हैं, DC समानांतर AB, DC समानांतर AB और तिर्यक रेखा AC उन्हें काट रही है, तिर्यक रेखा AC उन्हें काट रही है, काटती है लिख लें। इससे जो कोण निर्मित हो रहे हैं एकांतर कोण, वो यहां पर आप देख सकते हैं, एक एक पर बन रहा है, दूसरा सी पर बन रहा है। इसको आप पढ़ेंगे कोण ओ ए बी, तो लिख लें कोण ओ ए बी बराबर ये कोण, इसे आप ओ सी डी कह सकते हैं, कोण ओ सी डी, ये आपका पहला कथन हुआ जो इन दोनों कोणों के बराबर होने के बारे में बात करता है। ठीक इसी तरह से आप देखिए, फिर से एक बार ए बी और सी डी, ए बी और डी सी समानांतर रेखा है, लेकिन तिर्यक रेखा डी बी उन्हें काटती है। तिर्यक रेखा डी बी के उनके काटने से यहां पर जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण होंगे और आपस में बराबर होंगे। तो इन कोणों के बारे में भी लिख सकते हैं, यहां पर आप जोड़ लें इस कथन को, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा डी बी के बारे में हम बात कर रहे हैं, डी बी समानांतर रेखा और डीसी और एबी को काटती है, डीसी और एबी को काटती है, तो बनने वाले एकांतर कोण, हम इस कोण की बात करेंगे और इस कोण की बात करेंगे, दोनों को बराबर करके लिखेंगे। इसे आप लिख सकते हैं एबीओ कोण एबीओ बराबर कोण CDO, यह आपका दूसरा कथन है जो आपने प्राप्त किया। इस तरह से आपने देखा कि इन इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आपने इस कोण को इसके बराबर बताया और इस कोण को इसके बराबर बताया। अब इसी तरह से आपको बताना है कि भुजा AB भुजा DC के बराबर है, AB बराबर DC, क्योंकि यह समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा है, इसलिए बराबर है। तो यह समानांतर चतुर्भुज के गुण से आप ऐसा कह सकते हैं, यह आपका कथन तीन हुआ। अब आप देखिए कि किस त्रिभुज OAB की एक भुजा और भुजा के सिरों पर बने हुए दोनों कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और भुजा के सिरों पर बने हुए कोणों के क्रमशः बराबर है, और ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि कोण भुजा कोण वाले प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसे यहां लिख लें, त्रिभुज OAB, या आपने उसे ABO लिखा था, त्रिभुज ABO सर्वांग सम है त्रिभुज DCO के, DCO के,
ये आपने कोण, भुजा, कोण वाले प्रमेय के आधार पर आपने बात कही, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो आप कह सकते हैं कि भुजा AO बराबर भुजा CO या भुजा OA बराबर भुजा OC। आप लिखें इसे भुजा OA बराबर OC और दूसरी तरह से भुजा OB बराबर भुजा OD, और यही आपको सिद्ध करना था। आपने सिद्ध किया कि OA बराबर OC यानी O AC का मध्य बिंदु है, और ठीक इसी तरह से OB बराबर OD कहने पर ये कह सकते हैं आप कि O BD का भी मध्य बिंदु है, यानी O AC और BD दोनों का मध्य बिंदु है। O AC और BD का मध्य बिंदु है। यानी दोनों एक दूसरे को जहां पर काट रहे हैं वो उनका मध्य बिंदु है। इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, यही आपको सिद्ध करना था। तो एक बार आप फिर से कोशिश करिए और देखिए कि आपने किया क्या है। दोनों त्रिभुजों को आपने सर्वांग सम सिद्ध किया, और उसके बाद आपने बहुत आसानी से बता दिया कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, यानी ओ उन दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। तो इस तरह से प्रमेय पूरा होता है।